वेलकम टू माई चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाई फूडीज, कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए आज मैं आपके साथ जो रेसिपी माइक्रोवेव से रिलेटेड लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है और झारखंड और बिहार की बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी है, वो है लिट्टी चोखा। देखिए आज मैं आपके साथ लिट्टी और चोखा दोनों की रेसिपी माइक्रोवेव में लेके आई हूँ। देखिए लिट्टी जो बनाई जाती है वैसे पारंपरिक तौर पे तो वो सेक के बनाई जाती है अंगारों के अंदर, अंगीठी के अंदर या फिर चूल्हे के अंदर, लेकिन आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी के भी पास इतना वक्त नहीं है कि वो इतना समय दे सके। तो चलिए आज चंद मिनटों में बिल्कुल चूल्हे जैसी, अंगारे जैसी लिट्टी बनाएंगे हम माइक्रोवेव में। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत आसान है ये रेसिपी और सभी की आई थिंक फेवरेट होती है, मेरी तो बहुत ही ज़्यादा ये फेवरेट है। तो चलिए फिर आज ट्राई करते हैं लिट्टी माइक्रोवेव में। फिर बताइएगा कि लिट्टी माइक्रोवेव में कैसी लगी है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम चोखा तैयार करेंगे, और आज मैं आपको टमाटर, लहसुन और बैंगन भूनना भी बताऊंगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप गैस पे भून के तैयार करते हैं भरते के लिए या फिर चोखे के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चोखे के लिए बैंगन, टमाटर और लहसुन भून लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बैंगन लिया है, अच्छे से आप इसे धो लीजिए। उसके बाद देखिए इस तरीके के बड़े बड़े कट लगा दीजिए, ये देखिए, और चेक कर लीजिए क्योंकि बैंगन में कीड़े भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए कट लगा के आसानी से चेक भी हो जाएगा कि हमारा बैंगन साफ है या नहीं। अब हम लेंगे यहाँ पर लहसुन, तो मैंने यहाँ पर 4 लहसुन लिए हैं और ये जो हमने कट लगाया है इनके अंदर हम लहसुन डाल देंगे। जब बैंगन के साथ लहसुन भुनेगा ना तो बहुत ही बढ़िया स्वाद तो आएगा ही, साथ में बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आएगी चोखे में। तो बस अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें माइक्रोसेफ ट्रे लेनी है, और उसके बाद देखिए इस तरीके से बैंगन रख देंगे और 3 टमाटर भी लेंगे। आप चाहे तो आप आलू भी भून सकते हैं, धो के इस तरीके से लगा दीजिए ट्रे के अंदर। आप देखिए हम यहाँ पर माइक्रोवेव में लोअर रैक डालेंगे और सबसे पहले अपने माइक्रोवेव को प्रीहीट कर लेंगे। देखिए ये बता रही हूँ मैं आपको कन्वेक्शन मोड में, ठीक है। वैसे बैंगन भूनने का दूसरा भी तरीका होता है लेकिन वो तरीका हर किसी के माइक्रोवेव में नहीं होता, तो सिंपल है, कन्वेक्शन मोड का यूज़ करेंगे। प्रीहीट जब हो जाएगा तो इस तरीके से देखिए तैयार ट्रे को डाल देंगे माइक्रोवेव में। अब यहाँ पर 180 डिग्री में कन्वेक्शन मोड पर 15 मिनट का टाइम लगाएंगे। 15 मिनट में जो है हमारे बैंगन टमाटर बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। जब तक देखिए बैंगन और टमाटर भुन के तैयार होते हैं तब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो लिट्टी के लिए हम यहाँ पर आटा लगा लेते हैं, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 कप आटा, ये गेहूँ का आटा है, ठीक है। लिट्टी तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, तो 2 कप आटा मैंने लिया है। इसमें 1/2 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है, घी ज़रूर डालिएगा, खस्ता लिट्टी बनके तैयार होती है। अच्छे से हमें ये देखिए मिक्स करना है, उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, डो लगाएंगे। अब इसका जो डो लगता है ना वो थोड़ा सा हार्ड लगता है, देखिए सॉफ्ट डो तो बिल्कुल मत लगाइएगा। जब हम लिट्टी को बेक करने या फिर सेकने रखते हैं तो वो नीचे से चपटी हो जाती है, जिससे शेप खराब हो जाती है, लिट्टी अच्छी नहीं बनती है। तो ये देखिए इस तरीके से हार्ड होना चाहिए, जितना हार्ड हमारा आटा रहेगा उतनी बढ़िया हमारी लिट्टी बनके तैयार होगी। और अब हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं यहाँ पर आटे को। इतना हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं लिट्टी के लिए। तो यहाँ पर मैंने सत्तू लिया है, ये देखिए इजिली मार्केट में मिल जाएगा, नहीं है तो जो चने होते हैं भुने चने उनके छिलके उतार के, और आप देखिए मिक्सी में इसका पाउडर बना लीजिए, छान लीजिए, तो सत्तू तैयार हो गया। तो यहाँ पर मैंने देखिए 1.5 कप सत्तू इस्तेमाल किया है। हरी मिर्च डालिए स्वाद के अनुसार, 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, हरा धनिया ढेर सारा, और उसके बाद देखिए नींबू डाले हैं 2 चम्मच। अब है ये मेन इन्ग्रीडियंट, अगर आपके पास अचार का मसाला है तो वो ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अच्छे से हमें इन सबको मिक्स करना है। अगर आपको ड्राई लगे तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए 1-2 चम्मच, बहुत ज़्यादा गीला आपको नहीं करना है, बस इस तरीके की स्टफिंग होनी चाहिए। स्टफिंग हो गई हमारी तैयार, ये देखिए इतने में हमारे यहाँ पर बैंगन और टमाटर बहुत अच्छे से भुन के तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से भुन के तैयार हुए हैं, छिलके भी इजीली इसके रिमूव हो रहे हैं।
तो बस इस तरीके से हम टमाटर और बैंगन के छिलके रिमूव कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप भरते के लिए तैयारी करते हो ना, सेम प्रोसेस वही होता है। तो बस ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया बैंगन भून के तैयार हुए हैं। अगर आपको फुल डिटेल में बैंगन भूनना सीखना है माइक्रोवेव में, तो मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर आपके लिए हैक तैयार करूँगी। तो बस इस तरीके से आप बाउल ले लीजिए, डाल दीजिए सारी चीज़ें इसमें, टमाटर, लहसुन और यहाँ पर बैंगन। अच्छे से हमें मैशर से मिक्स करना है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं, तो इजीली देखिए इस तरीके से ये मिक्स हो जाएंगे। ये बन गया हमारा यहाँ पर मिक्सचर तैयार चोखे का। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ देखिए प्याज, तो एक बड़ा प्याज ले लीजिए, वो डाल दीजिए। हरी मिर्च स्वाद के अनुसार, फिर डालिए इसमें आप नमक स्वाद के अनुसार। उसके बाद देखिए इसमें हम डालेंगे यहाँ पर चाट मसाला, एक चम्मच। चाट मसाले से बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फ्लेवर आता है, डालिएगा ज़रूर। फिर डालेंगे सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल, एक चम्मच नींबू का रस, और उसके बाद इसमें ढेर सारा हरा धनिया। ये तो सारी चीज़ें डाल दी, अब इसमें जाएगा अचार का मसाला, ये भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट करता है। अच्छे से चोखा हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले एक साथ मिक्स हो जाए। ये देखिए चोखा हमारा रेडी है। अगर आपको चोखा इस तरीके से नहीं बनाना है तो आप इसे देखिए फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसी तरीके का चोखा लिट्टी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो चोखा हो गया है हमारा यहाँ पर तैयार, एक साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने माइक्रोवेव को प्री हीट करना है। आप क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर देखिए 230 हमें टेम्परेचर लेना है, और कन्वेक्शन मोड पे 10 मिनट का टाइम लगाना है, प्री हीट करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको 230 टेम्परेचर सेलेक्ट करना है, तभी जो है लिट्टी बहुत अच्छे से बेक होंगी। तो जब तक हमारी यहाँ पर प्री हीटिंग चलती है माइक्रोवेव की, तब तक हम लिट्टी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आटा भी हमारा तैयार हो गया है, देखिए बहुत सॉफ्ट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आटा है, क्योंकि देखिए छोड़ने के बाद आटा थोड़ा और सॉफ्ट भी हो जाता है, इसलिए पहले ही हार्ड लगेगा, तो एकदम परफेक्ट होगा हमारा डो यहाँ पर लिट्टी का। अब इस तरीके से देखिए पेड़े तोड़ लीजिए मीडियम साइज़ के, देखिए बहुत बड़े बड़े भी नहीं, मीडियम साइज़ के मैं पेड़े तोड़ लूँगी। बस इस तरीके से रोल करना है, बस इस तरीके से लोई बना के अब हम एक कटोरी का शेप देंगे यहाँ पर लोई को। तो दोनों अंगूठों से इस तरीके से दबा के और एक कटोरी का शेप दे दीजिए देखिए, और राउंड करते जाइए। बहुत आसान है, इससे क्या होता है ना कि फिलिंग बाहर नहीं निकल। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो चकले से थोड़ी सी चपाती बेल लीजिए और उसके बाद फिलिंग भरिए। बस इस तरीके से अंगूठे से थोड़ा सा जो फिलिंग है उसे दबा दीजिए, राउंड करिए और अंगूठे से जो ऊपर आ रही है फिलिंग उसे दबा दीजिए। बस इस तरीके से उठा के और लॉक कर लीजिए। लॉक बहुत ज़रूरी है करना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाएंगे, फिलिंग सारी नीचे गिर जाएगी। बस सेम प्रोसेस से हम सारी लिट्टी तैयार कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसान है ये रेसिपी, बस थोड़े से इसके टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। मेरे चैनल पे दाल बाटी और चूरमा की रेसिपी भी है, वो भी मैंने माइक्रोवेव में ही बनाई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। बस इस तरीके से देखिए तैयार हो गई हमारी सारी लिट्टी। अब या तो आप ये देखिए इस तरीके से बेकिंग ट्रे के ऊपर रख सकते हैं बेक करने के लिए लिट्टी को, और अगर नहीं है तो मैं तो आज वायर रैक पे यहाँ पर रख रही हूँ लिट्टी बेक करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हायर रैक लेना है जो ग्रिल मोड पे लगता है, उस रैक को आप लेंगे और रैक के ऊपर इस तरीके से लिट्टी रखेंगे। लिट्टी थोड़ा सा आप गैप में रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये फूलती भी हैं तो इन्हें स्पेस चाहिए। तो बस इस तरीके से देखिए मैंने सारी लिट्टी रख के तैयार कर दी। तो चलिए माइक्रोवेव भी हमारा यहाँ पर प्री हीट हो चुका है इतनी देर में। अब यहाँ पर हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और हायर रैक रखेंगे माइक्रोवेव के अंदर। उसके बाद देखिए 200 टेम्परेचर हम सेलेक्ट करेंगे कन्वेक्शन मोड पे, और फिर हम टाइम लगाएंगे यहाँ पर 20 मिनट का। देखिए 20 मिनट में लिट्टी बहुत अच्छे से बन जाती है, पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर 10 मिनट पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपको लिट्टी चेंज करनी है। क्यों? क्योंकि लिट्टी जो है ऊपर वाली साइड से तो बहुत अच्छे से सिक जाएगी, बट नीचे वाली साइड से जो है लिट्टी कच्ची रहेगी। तो बस जैसे ही हमारा टाइम हो जाएगा पूरा 10 मिनट का, तो हम इस तरीके से लिट्टी निकालेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि लिट्टी के ऊपर कितना अच्छा ब्राउन कलर का कलर आ गया है, यानी बहुत अच्छे से सिक चुके हैं, लेकिन अभी ये नीचे की साइड से कच्ची हैं। जैसे कि मैंने बोला था 10 मिनट के बाद हमें इन्हें टर्न करना है इस तरीके से। देखिए है ना बहुत ही आसान तरीका, और फिर वापस हमें
जो बचे हुए 10 मिनट हैं वो स्टार्ट करने हैं। तो बस जैसे ही होगा टाइम पूरा, हमें निकाल लेनी है लिट्टी। और ये देखिए कितना बढ़िया और प्यारा कलर आया है, देखा आपने, 20 मिनट के अंदर इस तरीके से बहुत ही आसानी से लिट्टी सिक्के तैयार हुई है। क्रैक देखिए, क्रैक ही इसकी जो है निशानी होती है। क्रैक जितने अच्छे होंगे लिट्टी हमारी उतनी अच्छी बनेगी, क्योंकि क्रैक पड़ेंगे तो लिट्टी अंदर तक सिकेगी, इसलिए एकदम परफेक्ट तरीका है। और जब हम सेक के बनाते हैं चूल्हे के अंदर अंगारों में, तब भी सेम प्रोसेस यही होता है, इसी तरीके से क्रैक आते हैं उसमें। तो क्रैक ही इसका मेन सिंबल होता है लिट्टी का बेक होने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिट्टी बनाइएगा। अगर इस तरीके से देखिए ब्राउन कलर नहीं आता है लिट्टी में, तो आप थोड़ा टाइम और बढ़ाएंगे अपने कन्वेक्शन मोड पे और इनको और बेक करेंगे, ताकि जो है लिट्टी अच्छे से अंदर तक बेक हो जाए। तो बस गर्मा गर्म लिट्टी आप सर्व करिए प्याज के साथ, और साथ में चटपटा चोखा जो हमने तैयार किया था बैंगन का, या तो देखिए आप घी के साथ इंजॉय कर सकते हैं या विदाउट घी के भी। लेकिन अगर आप लिट्टी इंजॉय करना चाहते हैं तो लिट्टी का जो टेस्ट आता है वो घी में इस तरीके से डिप करके ही आता है जब बेक हो जाए। तो गर्मा गर्म लिट्टी को इस तरीके से देखिए मेल्टेड घी के अंदर डिप करिए, अपने हिसाब से लीजिए जितना आपको घी लेना है। नहीं लेना है तो आप विदाउट घी भी नहीं इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बने ही बहुत ही अच्छे हैं, दिखने में ही आपको इतने अच्छे लग रहे होंगे। तो इस तरीके से इंजॉय करके बनाइए, अपनों के लिए बनाइए, अपने मेहमानों के लिए बनाइए, या खास मौक़ों पे इनको बनाइए, जैसे भी आप कंफर्टेबल समझे, लेकिन ट्राई ज़रूर करिए। और ये देखिए मैं अंदर से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए दिख रही है आपको कितनी अच्छे से बेक हुई है। मसाला देखिए, कहीं भी लिट्टी हमारी कच्ची नहीं है। तो ये है रिज़ल्ट 20 मिनट का। टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है आपके माइक्रोवेव के हिसाब से, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके ऑल ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।